गुजरात का विधानसभा चुनाव अपने शुमार पर है और आप कहीं भी सौराष्ट्र में निकल जाइए तो आपको इस तरह की एलईडी वैन्स दिखाई देंगी। ये एलईडी वैन भाजपा की है और इसको चलाने वाले अश्विन है। अश्विन है, अपनी दिनचर्या बताइए, कितनी देर एक जगह रुकते हैं, कहाँ जाते हैं आप लोग? 10-15 जगह से घूमते हैं, चालू कर दिखाते हैं सबको। कितनी कितनी देर रुकते हैं आप? एक एक घंटे रुकते हैं, एक एक घंटे का। तो आपको कैसे बांटा जाता है कि एक दिन में कितनी जगह कवर करनी है? हम 10-12 जगह कवर कर लेते हैं। ऐसी एलईडी हमारे लगभग मिनिमम 15-16 घूमती है। राजकोट जिले में 15-16 है? तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल बसरानी है। ये बताइए कि चुनाव में आपको क्या लग रहा है? चुनाव में इस बार तो बीजेपी का सीटें कटेगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने बिजनेस पर्सन, व्यापारियों के लिए और छोटे आदमियों के लिए बहुत इस बार नुकसान पहुंचाया है नोटबंदी और जीएसटी को लागू करके। आप बताइए, आप चुनाव में आपको क्या माहौल नजर आ रहा है? हेलो, चुनाव में कैसा माहौल लग रहा है आपको? ये रोड चुनाव चूटनी में माहौल सुच है भाजप का। भाजप? हाँ, भाजप का। क्यों? इधर कांग्रेस जीतेगा जैसे लगता है, अभी बीजेपी जीतेगा। बाबू का उंदाड़ गौरव है सबको कि बीजेपी आएगा और सब लीड थी ना आएगा जीतेगा, ऐसा धारासभ्य है बाबू का उंदाड़। पहले से हम लोग इधर से है ना, रियल कांग्रेस ही आता है, कभी भाजप भी आता है, रस आपने को बैठ गया कांग्रेस में। यहाँ बीजेपी 101% आएगी। गुजरात में नरेंद्र मोदी का क्रेज बहुत बढ़िया है, लेकिन 70 साल में हिंदुस्तान में पहले प्राइम मिनिस्टर मिला है के जो विकास की गाथा चल रही है। मोदी तो गुजरात का घर है उसका। हाँ, 50-50 चला है। एवं देखा है जाए, वातावरण एवं देखा। बीजेपी जीतेगी 100%, बीजेपी जीतेगी। कैसे? ऐसे ही विकास ही ऐसा किया है क्या अमरेली में विकास? हाँ, 85 वर्ष कांग्रेस ने राज किया था, क्या किया? छक मराने का आया था क्या? क्या किया इसने? तो हाँ, इसी लिए बोल रहा हूँ ना, अभी विकास हुआ है, देखो